अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। मेरे दो बच्चे हैं, बड़े वाले का नाम शायान है और छोटे वाले का नाम जिमरान है। शायान मेरे पास आया और उसने कहा कि मम्मा देखिए, मुझे जिमरान ने अप्रिशिएट नहीं किया हालांकि मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और मैं बड़ा हर्ट फील कर रहा हूँ। आई सेड ओके। मैंने फ़ौरन से जिमरान को कहा कि आप जब किसी को अप्रिशिएट नहीं करते ना तो आपका हार्ट हेल्पलेस होता है, आप अधूरे होते हो, आपको ना अच्छा नहीं लगता, आप अंदर अंदर से गिल्टी फील करते हो, आप कर रहे हो ना। उसने कहा यस मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, तो जब आप किसी की तारीफ़ करोगे ना आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। इवन अच्छी ना भी हो ना किसी की चीज़, तो ये नहीं कहते कि अच्छी नहीं है, ये कहते हैं कि अच्छी, थोड़ी अच्छी है और आप इससे भी अच्छी कर सकते हो। वो बात समझ गया, लेकिन मेरा असली टारगेट वो नहीं था, मेरा असली टारगेट शायान था। मैंने फ़ौरन रुख उसकी तरफ किया और मैंने उससे कहा कि बेटा, ज़िंदगी में जब कभी भी किसी दूसरे से एप्रिसिएशन चाहोगे और ये सोचोगे कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे अच्छा समझें, वहीं पर आपका नुकसान छुपा होगा। लोग आपकी तारीफ़ करें तो भी आपको नुकसान होगा, और अगर ना करें तो बिल्कुल ही नुकसान होगा, क्योंकि आपने अपने आप को हेल्पलेस बना दिया है। आप अपने आप को दुनिया की नज़र से देख रहे हो। आप कॉन्फिडेंटली अपना काम करो, अपना बेस्ट दो, अपनी बेस्ट ड्राइंग्स बनाओ और सबसे पहले उन्हें खुद लाइक करो। अपने दिल दिमाग में अपनी रेस्पेक्ट को बिल्डअप करो और आप ये बोलो कि अगर आज मैं ये बना रहा हूँ तो इंशाल्लाह कल मैं इससे बहुत बेहतर बना सकूँगा। मेरी बात को सुनकर उसे तो समझ आई, दूसरे वाला भी हंसा क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ है। यकीन करें, ये चीज़ जब हम अपने बच्चों में बिल्कुल बचपन से भरना शुरू करेंगे ना, तो एक तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो ये सोचेंगे कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हर शख्स को जगह देनी चाहिए, उनके अंदर एक अजीब सी गुडनेस डेवलप होती चली जाएगी, आजिज़ी भी आएगी, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक हौसला भी आएगा, तन्हा लड़ने का हौसला, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए लेट नहीं जाना, किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए बिच नहीं जाना। ये चीज़ जिस बच्चे को आप समझा देते हैं बहुत छोटी एज में, आई बिलीव उसकी स्क्रूटिनाइजेशन, उसकी ट्यूनिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ताला हम सबके बच्चों पर अपनी रहमत करे और हमें तौफीक दे कि हम इंसान बन के उनकी तरबियत कर सकें। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच।